Hello everyone. This is Trupti. Welcome back to NPC the channel where you can learn all the concepts of physics. And uh, yes, we have completed chapter first and chapter second. And now we are going to start chapter three: current electricity. Okay, this is very very important chapter, and uh, uh, we have. स्टडी इन अवर लास्ट वीडियो चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड इलेक्ट्रिक चार्जेस इज एट रेस्ट ओके इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में थे तो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना हमने इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड में स्टडी किए हैं बट यहाँ चैप्टर थ्री में हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन और मोशन भी ऐसा की कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट मोशन पे डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनाज डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो हम स्टडी करेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी में ओके okay. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विल बी इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी ओके इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी ये दो टॉपिक्स जो हैं हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं ओके सो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ओके सो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर मीन्स अगर आप डेफिनेशन की बात करें सो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो की बात कर रहे हैं ठीक है चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर ओके मीन्स एक कंडक्टर अगर आप सपोज करें ये इस तरह से आपने एक कंडक्टर ड्रॉ कर लिया ओके okay, एंड इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है हर एक पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो हम सपोज कर रहे हैं ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना चार्ज फ्लो होता है इन अ गिवन टाइम इंटरवल ओके मीन्स अगर आप इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को फॉलो करें और इसमें से चार्ज क्यू टी टाइम में फ्लो हो रहा है तो आप कहेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना इन अ पर्टिकुलर टाइम ओके यहाँ टाइम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है अगर आप टाइम क्वांटिटी को रिमूव कर दें तो इलेक्ट्रिक करंट जो क्वांटिटी है वो एग्जिस्ट में रहेगी ही नहीं इलेक्ट्रिक करंट जो है एक पर्टिकुलर टाइम में चार्जेस की वैल्यू को डिफाइन करता है ठीक है इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज गोइंग टू बी आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी ओके जो Q बाई टी मैंने लिखा है इट इज फ्रॉम द क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म ठीक है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर में सभी पॉइंट पर तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू करंट इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को दे सकते हैं ठीक है सॉरी नाउ यूनिट की बात करें सो यूनिट विल बी चार्जेस के लिए कूलम टाइम के लिए सेकेंड सो कूलम पर सेकेंड और इसे ही आप एम्पियर कहेंगे क्या कहेंगे एम्पियर एक साइंटिस्ट एम्पियर थे उन्हीं के नाम पर इन, की यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर दी गई और इसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है ओके नाउ क्वांटिटी सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी क्या है स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट आई जो है वो स्केलर क्वांटिटी है अब स्केलर क्वांटिटी है बट इट हैज अ डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी तो है बट इट हैज अ डायरेक्शन इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है अब डायरेक्शन क्या होती है तो डायरेक्शन होती है अगर आप कंडक्टर यहाँ पर कंडक्टर ड्रॉ कर लिया और इस कंडक्टर को आपने ऐड कर दिया कनेक्ट कर दिया बैटरी के थ्रू बैटरी का, का काम क्या है बैटरी का, का काम क्या है चार्जेस को मूवमेंट चार्जेस को एनर्जी देना जिससे चार्ज मूव कर सके इस कंडक्टर में ठीक है एंड मूवमेंट होगा मोशन होगा चार्जेस का तो ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा ठीक है तो इलेक्ट्रिक हमने क्या किया एक कंडक्टर लिया कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है ठीक है दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को हम हायर पोटेंशियल बोलते हैं ठीक है एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को हम लोअर पोटेंशियल बोलते हैं ठीक है सो हायर पोटेंशियल एंड दिस इज अ लोअर पोटेंशियल करंट की जो डायरेक्शन होती है इज ऑलवेज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मीन्स इस तरह से करंट की डायरेक्शन को दिया जाता है हायर टू लोअर पोटेंशियल ठीक है तो यहां से आपको ये बात पता चली कि आई की डायरेक्शन क्या होगी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ठीक है हायर पोटेंशियल से लोअर तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो कंडक्टर के इस साइड जो है लेफ्ट साइड ये पूरा जो सरफेस है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा एंड हियर विल बी नेगेटिव ठीक है अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के कारण यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और ये जो एक्सटर्नल फील्ड है ये कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स जनरेट करेगा फोर्स एक्सर्ट करेगा ठीक है कंडक्टर में क्या होते हैं कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं की वजह से उन्हीं के मोशन के थ्रू यहाँ इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होता है तो कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देर विल बी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कहाँ होगी यस लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ठीक है मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होगी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के ओके okay, क्लियर है क्यों होगी ऑपोजिट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्जेस के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस इस सरफेस पे है पॉजिटिव चार्जेस से अट्रैक्ट होंगे तो इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे ओके okay, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी अब बात करते हैं स्केलर क्वान्टिटी है तो स्केलर क्वान्टिटी की डायरेक्शन क्यों होगी स्केलर क्डेंटिटी है तो डायरेक्शन क्यों होगी बट एक्चुअली में जो वैक्टर एडिशन रूल है करंट जो है वो वैक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है अब वैक्टर एडिशन रूल क्या है तो सिंपली अगर आप इस तरह से करंट को डिनोट करें ये यहां से आपका टू एम्पियर करंट आ रहा है इधर से फोर एम्पियर करंट आ रहा है और टोटल जो रिजल्टेंट करंट आपको मिला है दैट इज सिक्स एम्पियर टू एम्पियर प्लस फोर एम्पियर दैट इज सिक्स एम्पियर और यहाँ आपका एंगल सिक्सटी डिग्री सपोज कर लेते हैं अब इसी पिनोमिन को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं ठीक है जब एंगल नाइन्टी यहाँ सिक्सटी डिग्री यहाँ नाइन्टी डिग्री सेम करंट टू एम्पियर फ्लॉन एंड इन दिस डायरेक्शन फोर एम्पियर टोटल करंट हुआ सिक्स एम्पियर यहाँ भी सिक्स एम्पियर यहाँ भी सिक्स एम्पियर मीन्स एंगल का कोई मैटर नहीं है जब एंगल मैटर करता वहां वेक्टर एडिशन फॉलो होता क्योंकि अगर आप एंगल लेते तो यहां वेक्टर एडिशन के थ्रू आपका जो फॉर्मूला है दैट इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी अंडर रुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉ सीटा होता है ओके मीन्स टीटा की जो वैल्यू है वो कंसिडर होती जब ये वैक्टर रूल्स फॉलो करता बट यहाँ आप डायरेक्टली एड कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए डायरेक्टली एड हो रही है यहाँ पर भी यहाँ पर भी एंगल कोई मैटर नहीं कर रहा है इसी इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी ओके okay, क्लियर है नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मीन्स इलेक्ट्रिक करंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी फॉलो करता है ठीक है मीन्स ये है सिंपली अगर आप एक कंडक्टर लेते हैं और उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से सपोज आप क्यू अमाउंट का चार्ज इंटर करवा रहे हैं एट टाइम टी तो उतना ही अमाउंट का चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फॉर सेम टाइम इंटरवल यहाँ लीव करेगा ठीक है जितना अंदर आया इनसाइड आया है उतना ही वो बाहर जाएगा करंट ठीक है उतना ही करंट क्या होगा उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को छोड़ देगा तो सिंपली आप बोल सकते हैं चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ओके इट विल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ओके इलेक्ट्रिक चार्जेस को आप मूव करवा सकते हैं मोशन करवा सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को प्रोड्यूस नहीं करवा सकते ठीक है इट इज़ अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ओके नाउ एवरेज करंट एवरेज करंट क्या होता है मीन्स अगर आपको टू पर्टिकुलर पॉइंट्स दें और उन पॉइंट्स के बीच आपको करंट के वैल्यू फाइंड करना है ओके सो देर विल बी एवरेज करंट एंड इट इज गोइंग टू बी आई इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाय डेल टी ओके करंट की जो वैल्यू है फॉर्मूला है वो वही रहेगा बस यहाँ पर डेल सिंबल यूज हो जाएगा ठीक है डेल इज़ द टाइम इंटरवल ठीक है टाइम इंटरवल या फिर चार्जेस का जो इंटरवल है वो होगा नाउ इंस्टेंटेनियस करंट इंस्टेंटेनियस करंट का मीन्स ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइमिंग में आपको करंट की वैल्यू को फाइंड करना है ओके सो इंस्टेंटेनियस करंट आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी ठीक है ये जो है वो काफ़ी स्मॉल टाइमिंग के लिए जो चार्ज फ्लो हुआ है किसी कंडक्टर में उसके लिए इंस्टेंटेनियस करंट आई यूज़ करते हैं दैट इज़ गोइंग टू डी क्यू बाई डी टी ठीक है मीन्स यहाँ जो डेल्टी है वो टेंस टू ज़ीरो हो जाता है ठीक है क्या होता है टेंस टू ज़ीरो मीन्स इससे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टी टेंस टू ज़ीरो होगा देन आपको इंस्टेंटेनियस करंट आई की वैल्यू मिलेगी डी q बाई डी टी ओके क्लियर अब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की करंट डेंसिटी ओके सो हमने करंट के बारे में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी किया है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है स्केलर क्वांटिटी एंड जे करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ओके करंट के लिए हमें एक ऐसी क्वांटिटी की जरूरत थी जो कि फैक्टर हो तो करंट डेंसिटी इंट्रोड्यूस हुई करंट डेंसिटी एक्चुअली इट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट इन अ पर्टिकुलर एरिया ठीक है मीन्स करंट पर यूनिट एरिया करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी ओके सपोज वी हैव अ कंडक्टर एंड इन दिस कंडर द एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हैं वो आप पर यूनिट मान लेते हैं ठीक है मीन्स अगर आप टोटल एरिया इस कंडक्टर का टेन मीटर स्क्वायर लें ओके और इससे वन मीटर स्क्वेयर में क्या कर दें सेग्रीगेट कर दें तो वन मीटर स्क्वायर में जितना करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी करंट डेंसिटी ओके मीन्स करंट डेंसिटी का मतलब ये है कि करंट पर यूनिट एरिया में कितना फ्लो हुआ है ओके okay, क्लियर है अब करंट डेंसिटी क्या होता है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन क्या होगी सो so, इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करंट की डायरेक्शन में ही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी ठीक है जे की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ओके एंड यहाँ पर जो हम ए ले रहे हैं दैट इज़ नॉट एरिया इट इज़ कॉल्ड एरिया वेक्टर ओके मीन्स अगर आप कोई भी कंडक्टर जैसे हमने ये कंडक्टर लिया अब इसमें से करंट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और एरिया वेक्टर आपका ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया वेक्टर क्या लेंगे इसके परपेंडिकुलर जैसे अगर आपने ये पेपर है और पेपर का जो एरिया है ये ये जो है ये इसका है इसका एरिया तो एरिया वेक्टर क्या होगा अपर साइड में ठीक है इसके परपेंडिकुलर जो है दैट इज द एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी इस कंडक्टर के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा सो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है तो इसके पेंडिकुलर मींस इस इस डायरेक्शन में आपकी डायरेक्शन में होगा ठीक है आपकी डायरेक्शन में और जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ठीक है तो करंट की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए ठीक है एरिया वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट बट एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होती है ये दो चीज़ें जो टू पॉइंट्स हैं ये मोर इम्पॉर्टेंट है इस करंट डेंसिटी में ठीक है इस पॉइंट में इस टॉपिक में करंट डेंसिटी का जो मतलब है सिंपली इट इज़ अ फैक्टर क्वांटिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जे एंड जे इज इक्वल्स टू आई बाय ए हियर ए इज नॉट अ एरिया एरिया फैक्टर यहाँ पर ए जो है वो एरिया वेक्टर है एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर होता है ओके okay. और क्रॉस सेक्शनल एरिया से जैसे इस कंडक्टर में यहाँ करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और ये जो एरिया वेक्टर है मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में तो एरिया वेक्टर या क्रॉस सेक्शनल एरिया के अलोंग जितना करंट फ्लो हुआ है उस करंट को ही आपको मेजर करना है उस करंट को ही आपको काउंट करना है ठीक है अदरवाइज जो जैसे सिंपल एक अदर एग्जाम्पल लें आप कि क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सिंपल ये है करंट हमारा ये फ्लो हो रहा है अब क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से अगर आपका आ जाए और यहाँ तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है ठीक है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है ये है बट करंट की डायरेक्शन ये है तो आपको एरिया वेक्टर के टू कंपोनेंट्स मिले ओके इन दिस केस इन दिस सिचुएशन देर विल बी टू कंपोनेंट्स ऑफ एरिया वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज मेकिंग एंगल विथ करंट ठीटा ठीक है ठीटा एंगल क्रिएट कर रहा है सो so, ठीटा के साइड में एरिया होगा ए कोस टीटा एंड इसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा तो हम एरिया का वो कंपोनेंट लेंगे जो करंट के अलोंग है, ओके सो ए कॉस थीटा हम यहाँ कंसिडर करेंगे तो यही फॉर्मूला जो हमने लिया है जे इज इक्वल्स टू आई तो यहाँ ए के प्लेस पे ए कॉस थीटा हो जाएगा इस सिचुएशन में जब एरिया वेक्टर जो है वो इस तरह से एंगल क्रिएट कर रहा हो ए कॉस थीटा ओके okay. और ये जो फॉर्मूला है ये हम देते हैं जब करंट डेंसिटी जे इज़ कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंडक्टर ओके पूरे कंडक्टर में जे जो है कॉन्स्टेंट हो या यूनिफॉर्म है तब आप ये फार्मूला देंगे बट इन केस ऑफ जे इज डिफरेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया देन आपको ये फार्मूला यूज करना है जे इज इक्वल्स टू डी आई बाई डी एके एंड अगर एंगल है तो यही फॉर्मूला बन जाएगा जे इज इक्वल्स टू डी आई बाई डी ए कॉज ठीटा ओके याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला है ये है यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी ओके थ्रू आउट द कंडक्टर जब डेंसिटी यूनिफॉर्म हो करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म हो तब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है बट इनकेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ओके इस इक्वेशन को हमने डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया और इस इक्वेशन में कंसिडर कर दिया ठीक है इस इक्वेशन में चेंज कर दिया तो ये इक्वेशन है नॉन यूनिफॉर्म की एंड दिस इक्वेशन विल बी फॉर यूनिफॉर्म ओके जे इज इक्वल टू डी आई बाई डी ए कॉस्टिटा यहाँ से करंट डी आई इज इक्वल टू हुआ जे इंटू डी ए कॉस्ट सीटा ओके नाउ जे इंटू डी ए कॉस्ट सीटा ए इंटू बी कॉस थीटा क्या होता है ए बी ओके ए इंटू बी और ये वेक्टर, ठीक है वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है सो करंट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी ओके सो डी आई हुआ जे डॉट डी ए यहाँ से ठीक है अगर टोटल करंट आपको चाहिए तो इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए सो आइज इक्वस टू जे डॉट डी ओके जे कांस्टेंट है तो जे आप इंटीग्रल के बाहर ले लीजिए एंड डी ए विल बी कैपिटल ओके सो आइज इक्वस टू जे इंटू ए इट इज अ रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड करंट ओके करंट एंड करंट डेंसिटी के बीच में ये रिलेशन होता है ठीक है ना इस लेक्चर को हम यही एंड करते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच